लेकिन जो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शास्त्र की बहुत दुहाई दे रहे हैं। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता को मैं सुन रहा था, बार बार कह रहे थे धर्माचार्यों का उल्लेख करते हुए कि शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए इस तरीके से की चीज होनी नहीं चाहिए। सबसे दुर्भाग्य का विषय यह है, कांग्रेस आज से नहीं, आज से हिंदू सनातन और साधुओं की विरोधी रही है। शायद आप लोगों को पता होगा, जब सोमनाथ मंदिर का स्थापना हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, तो नेहरू जी को निमंत्रण दिया गया था, नेहरू जी उस कार्यक्रम में भी जाने से मना कर दिए थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी को भी उन्होंने मना किया था, पर राष्ट्रपति जी बगैर उनसे बताए वहां पहुंचे थे। और सबसे दुर्भाग्य का विषय यह है कि जब मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जा रही थी, सोनिया गांधी अस्वस्थ थी, नहीं जा पाई, उन्होंने बाकायदे लेटर जारी करके क्षमा मांगा था और अपने प्रतिनिधि स्वरूप दो लोगों को भेजा था। तो इससे साबित होता है कि आज इसे नहीं, आज इसे हिंदू सनातन की विरोधी रही है। आपको भी ऐसा ही लगता है, आपकी राय इस पर यही है? अगर कोई धर्माचार्य कह रहे हैं तो उनका अपना मत है, कोई तो वजह होगी ना उसके पीछे। देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश आनंद जी, मैं कहना चाहूंगा कि पहले उपासना की पद्धति को जानना बड़ा आवश्यक है। मेरे विशेष धर्माचार्य भी यहां भी बैठे हुए हैं, सम्मान सबका है। और मैं ये कहूं कि रामानंदाचार्य परंपरा से भगवान राम लला बाल रूप में, समझिएगा बात को, इनकी उपासना की पद्धति थोड़ी अलग परंपराओं से होती है। और जो बार बार ये प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि अभी मंदिर का पूर्ण रूपेण से निर्माण नहीं हुआ है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा कैसे, तो मैं आपको बता दो कि थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है। गर्भगृह का पूर्ण निर्माण हो चुका है, दुनिया देख रही है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जब गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, शास्त्र कहते हैं कि उसमें अगर यदि प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही हो तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह गर्भगृह बनकर के तैयार हो चुका है। फिर बाद में आप चाहे उसे फिर बाद में सुंदरीकरण करें, सौंदर्यकरण करें, चाहे जैसे भी आगे लेकर के जाएं, वो अलग विषय है। मतलब इसमें राजनीति ज्यादा है, धर्म का एंगल कम है, राजनीति ज्यादा है, क्या आपकी क्या राय है इसमें? जी बिल्कुल, ये राजनीति है। नहीं तो ये कांग्रेस वाले कह रहे थे हमको न्योता नहीं मिला, न्योता मिलने के बाद कह रहे हैं कि ये भाजपा आरएसएस का कार्यक्रम है। वो मैं कांग्रेस को बता देना चाहता हूँ कि अयोध्या में जो राम जी का मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर में जो भी पैसा लग रहा है वो सनातन धर्म हिंदुओं का लग रहा है, किसी भी पार्टी का पैसा नहीं लग रहा। पूरे विश्व से चंदा भारत में आया, राम मंदिर के लिए आया, और उसी राम मंदिर के पैसे से ये राम मंदिर बन रहा है। अगर कोई कहे कि इससे भाजपा का इससे क्या लेना देना है, कहने का तात्पर्य है जो पार्टी है, जो सरकार है, वो तो मदद करेगी ही, क्योंकि अयोध्या के विकास में जो उन्होंने मदद किया यह बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे इतनी पब्लिक आएगी, इतनी भीड़ आएगी, पूरा देश खुश है, पूरा समाज खुश है, यहाँ तक कि विदेशों के में जो राम भक्त रहते हैं वो भी खुश है, यहाँ तक कि ये धरती और अंबर खुश है। मैं चंद शब्दों में कहूंगा कि धरती अंबर लगाए यही नारा, नारा कौन सा, जय श्री राम। तो यहाँ हर तरफ जय श्री राम की गूंज में सुन रहा हूँ। धरती अंबर लगाए यही नारा, राम लला का मंदिर बन गया प्यारा, और जन्म भूमि है ये भगवान का, अयोध्या में मंदिर बना राम का, पावन अयोध्या धाम का। मैं पब्लिक के बीच अब जाना चाहूंगा और सवाल वही है, अगर विरोध के कुछ सुनाई सुर सुनाई पड़ रहे हैं तो क्या उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, उसका मतलब क्या निकाला जाए? कांग्रेस हो, आरजेडी के नेता हो, या डीएमके वालों ने जो बयान दिया था, कांग्रेस हो या सपा हो, ये सभी सनातन विरोधी ही काम करते आए हैं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दिए रामलला के बारे में, अगर भाग्य ये रहा कि भाजपा की सरकार रही तो मंदिर बन भी गया, अन्यथा ये लोग किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते, ना मानते ये कुछ ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते, नहीं ना मानते ये लोग, कम माने हैं। अच्छा, आपको लग रहा है चूंकि बीजेपी की सरकार है इसीलिए मंदिर बन पाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? ये सारी व्यवस्थाएं हर चीज दिख रहा है, ठीक है। हाँ, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।